सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विरोध नहीं किए जाने के बाद दिल्ली शराब नीति केस से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। ईडी ने कहा कि उसे संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया, लेकिन आदेश की लिखित कॉपी में सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि संजय सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी दर्ज किया है कि उनके मुवक्किल मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। बता दें कि जमानत याचिका पर सुनवाई के वक्त संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष इस शर्त पर अपनी सहमति दी थी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में उन्हें प्रमुख साजिशकर्ता करार दिया था। हालांकि वो शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं है जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी अपराध की आय को वैध बनाने का आरोप लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध की आय को छिपाना भी अपराध है। अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा था संजय सिंह शराब नीति घोटाले से उत्पन्न अपराध की आय को ठिकाने लगाने में शामिल रहे हैं। वे शराब कारोबार से जुड़े समूहों से अवैध धन और रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। उनका 2017 से दिनेश अरोड़ा के साथ घनिष्ठ संबंध है। दिनेश अरोड़ा के साथ साथ उनके कॉल रिकॉर्ड ये स्थापित होता है। दिनेश अरोड़ा एक व्यवसायी है जिस पर ईडी ने पहले साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच रिश्वत का माध्यम होने का आरोप लगाया था। ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में दावा किया था कि दिनेश अरोड़ा ने जांचकर्ताओं को बताया था कि उसने संजय सिंह के कहने पर कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की थी और आगामी चुनावों के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए 82 लाख रूपये के चेक की व्यवस्था की थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया था कि दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के जरिए उनको 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। बता दें कि सर्वेश मिश्रा को भी ईडी इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है। उन्हें इस साल 24 जनवरी को कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। नवम्बर 2022 में दिनेश अरोड़ा सीबीआई मामले में सरकारी गवाह बन गया और उसे जमानत मिल गई। जुलाई 2023 में अरोड़ा को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिनेश अरोड़ा ईडी मामले में भी सरकारी गवाह बन गया।